सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये तस्वीर काफी शेयर की जा रही है। इसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश के चटगांव के एक हिंदू लीडर जितेंद्र कांति गुहा ने इफ्तार पार्टी में शामिल होने से मना किया था और इसी कारण आवामी लीग के स्थानीय नेता मोहम्मद जसीम ने उनका ये हाल कर दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की पूर्व अध्यक्ष रश्मि सावंत ने ये तस्वीर इसी दावे के साथ ट्वीट की। कई वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट्स ने ये तस्वीर इसी दावे के साथ ट्वीट की है और फेसबुक पर भी ये तस्वीर वायरल है। इस घटना के बारे में सर्च करते हुए ऑल्ट न्यूज़ को मालूम हुआ कि सोशल मीडिया पर किया गया दावा सरासर गलत है। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि जितेंद्र कांति गुहा बांग्लादेश के चटगांव के एक प्रमुख हिंदू नेता है। जितेंद्र चटगांव में बांग्लादेश के हिंदू बौद्ध ईसाई औकिया परिषद के उपाध्यक्ष हैं और स्थानीय आवामी लीग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। UNI ने रिपोर्ट किया कि ये घटना 29 अप्रैल को हैदगांव में गोचिया सामुदायिक केंद्र के सामने हुई थी। वहां हैदगांव यूनियन आवामी लीग ने इफ्तार पार्टी आयोजित की थी। इसमें यूनियन परिषद के अध्यक्ष BM जसीम को नहीं बुलाया गया था। ऐसा कहा गया है कि पार्टी में नहीं बुलाए जाने की वजह से स्थानीय पार्षद और उनके फॉलोअर्स नाराज हो गए थे और उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर हमला किया था। UNI से बात करते हुए हैदगांव यूनियन आवामी लीग के संयुक्त संयोजक शाहिदुल इस्लाम जुलू ने कहा कि जसीम को इफ्तार पार्टी में नहीं बुलाया और इस वजह से वो नाराज हो गए। वो 30-40 लोगों के साथ कार्यक्रम में आए और यूनियन आवामी लीग के संयोजक महमूदुल हक हाफिज सहित दूसरे लोगों को गालियां देने लगे। द डेली स्टार ने भी इसे आपसी विवाद बताया है। आर्टिकल में बताया गया है कि इफ्तार पार्टी में न्योता नहीं मिलने की वजह से हैदगांव संघ परिषद के अध्यक्ष के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था, लेकिन स्थानीय पार्षद BM जसीम ने आरोप लगाया कि जितेंद्र कांति गुहा पर स्थानीय लोगों ने हमला किया क्योंकि वे उनसे नाराज थे। ऑल्ट न्यूज ने जितेंद्र गुहा के बेटे इमोन गुहा से संपर्क किया। उन्होंने हमें बताया कि उनके पिता असल में आवामी लीग के नेता हैं और ये हमला पार्टी के भीतर राजनीतिक दुश्मनी की वजह से हुआ था, न कि उनकी धार्मिक पहचान की वजह से। इमोन ने आगे कहा कि इस घटना के बहुत पहले से ही उनके पिता और जसीम के बीच दुश्मनी थी। एक चुनाव के कारण जितेंद्र गुहा और जसीम के बीच विवाद हुआ था। इमोन ने यह भी कहा कि उनके पिता जितेंद्र इफ्तार पार्टी के आयोजक नहीं थे, बल्कि वे सिर्फ वहां पर एक गेस्ट बनकर पहुंचे थे। इमोन ने हमें बताया कि जसीम ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उनके पिता के साथ मारपीट की थी और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जितेंद्र गुहा को पार्टी में बुलाया गया था, लेकिन जसीम को न्योता नहीं मिला था। हमें सुब्रत डे नाम के एक फेसबुक यूजर की पोस्ट मिली। इन्होंने जितेंद्र गुहा के भतीजे होने का दावा किया है। फेसबुक पोस्ट में उनके भतीजे ने जो डिटेल शेयर की वो जितेंद्र गुहा के बेटे द्वारा हमें बताए गए बयान और न्यूज रिपोर्ट से मेल खाती है। यानी बांग्लादेश में आपसी दुश्मनी के कारण हुई मारपीट की घटना को सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक रंग देकर शेयर किया गया।